हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमारा आज कंपैरिजन है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर, जो कि है नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स कैन फॉर्म पार्टनरशिप। कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेंबर जो हैं वो पार्टनरशिप मिलकर फॉर्म कर सकते हैं। कंपनीज देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट। कम से कम 7 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं लेजिस्लेशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ एप्लीकेबल। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आता है। और सेकंड में देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल। ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आता है। उसके बाद देखते हैं रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये फर्म के पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एवरी मेंबर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में क्या है कि जो हर मेंबर है वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें। नॉट एवरी शेयर होल्डर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसमें सारे शेयर होल्डर जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, कुछ जो होते हैं वही ले सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सीक्रेसी। सीक्रेसी इज़ लिमिटेड बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है इसके अंदर क्या है कि सीक्रेसी है जो कंपनी की, वो पार्टनर्स के बीच में ही रहती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखते हैं नो सीक्रेसी इज़ टू बी मेंटेन। इसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती है, सब खुला खेल होता है। ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप। नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज ओनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। बगैर मतलब अगर जब तक सारे पार्टनर हैं वो आपस में बात नहीं कर लेंगे, तब तक कोई भी पार्टनर जो है वो अपनी ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफ़र देयर शेयर टू एनी वन। इसमें क्या होता है, जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, और मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी को भी शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत लिखा हुआ है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स ब्रिंग देयर ओन कैपिटल। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल खुद लाता है और लगाता है। कैपिटल इज़ गेन्ड बाई इशू ऑफ शेयर्स इन द पब्लिक। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें क्या होता है कैपिटल को गेन किया जाता है इशू ऑफ शेयर करके पब्लिक में। जो पब्लिक से पैसा आता है वही कैपिटल बन जाता है। जो आखिरी डिफरेंस है उसे देख लेते हैं, जो कि है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। कि अकाउंट्स का ऑडिट कौन करता है, डिपेंड अपॉन द पॉलिसी लेड बाय द पार्टनर। इसमें जैसे पार्टनर अपनी पॉलिसी बनाएंगे उस हिसाब से ऑडिटिंग होगी। इट इज़ कंपल्सरी इन अ कंपनी टू ऑडिट द अकाउंट्स। लेकिन कंपनी में अकाउंट्स को ऑडिट करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा मेन कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।